ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है तेज वर्षा से आपदा की स्थिति और प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्णा एस वत्स और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और नदियों के उफान पर पहुंचने के कारण जल जमाव, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी है और इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी कर दिए हैं और एनडीआरएफ ने 4 राज्यों में 39 दल तैनात कर दिए हैं। पंजाब में 14, हिमाचल प्रदेश में 12, उत्तराखंड में 8, हरियाणा में 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। और आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि बारिश और भूस्खलन से जो ये स्थिति बनी है आपदा की, इससे बचने के समाधान क्या हैं, क्या कुछ तैयारी हमें रखनी है। कृष्णा जी, सबसे पहले अगर चर्चा की शुरुआत हम करें, मौसम विभाग की कुछ जानकारियां अपने श्रोताओं के साथ जरूर मैं साझा करना चाहूंगा, हम चर्चा की ओर तब बढ़ेंगे। आज पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी मौसम विभाग के द्वारा और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कल बहुत भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में और 15-16 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि में कमी का अनुमान भी लगाया है। हालांकि अगले 4 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। उधर मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत में बारिश 15 जुलाई तक सामान्य रहेगी और 15 से 16 जुलाई तक धीमी रहने की संभावना है और उसके बाद बढ़ने की भी संभावना है। कल तक अरुणाचल प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग ने जल जमाव वाले क्षेत्रों से बचने और कमजोर संरचना यानी जहां पर कमजोर कंस्ट्रक्शन है वहां से दूर रहने की भी चेतावनी जारी की है। तो आज की चर्चा की शुरुआत में पहला सवाल हम इसी से जुड़ा हुआ कृष्णा जी लेते हैं कि मौसम में जब ऐसे बदलाव होते हैं, भारी बारिश होती है, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनती है, ऐसी आपदा जैसी स्थिति में जानकारियों का होना, पूर्वानुमान की संभावनाओं का होना कितना जरूरी है हमारे पास? यह बहुत आवश्यक है कि जो बारिश का जो पूर्वानुमान है वह सभी लोगों को उपलब्ध रहनी चाहिए। एक्चुअली जब बारिश हो रही हो तो वो कितनी बारिश हो रही है उसकी भी जानकारी रहनी चाहिए। सर्वसाधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि जब भी 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है एक दिन में तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और अभी जो स्थिति बनी हुई है पिछले 4 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और ये जो औसत बारिश है उससे ये करीब कुछ जगहों में तो 1000% से ज्यादा बारिश हो रही है। इस बात की हमें जब जानकारी होती है कि बारिश जो है औसत बारिश से बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि राज्य में और शहरों में बाढ़ आने की संभावना है। थोड़ा विस्तार में जाकर बताऊं तो अभी जो स्थिति बनी हुई है वह यह है कि एक तो जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका प्रभाव और उसके साथ साथ उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, है ना, पश्चिमी प्रदेशों से आया हुआ, मतलब जो कहते हैं मेडिटेरेनियन या सेंट्रल एशिया से जो कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो दोनों मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इकट्ठे होने से बारिश की जो मात्रा है, बारिश का जो प्रमाण है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज जो हमें स्थिति देखने को मिल रही है वह इसी का परिणाम है और इसलिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और इस बारिश के बारे में हमेशा हमें जानकारी रहनी चाहिए और इस बारिश के प्रभाव के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश का जिक्र यहाँ करना चाहेंगे कृष्णा जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर मैं ताजा स्थिति की बात करूं तो बीते एक दिन में ही 40 जगहों पर लगभग भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और बाढ़ की स्थिति तो हम वहां देख रहे हैं क्योंकि व्यास नदी वो उफान पर है और जो वहां किनारे बनी कई इमारतें हैं या पुल हैं उनके ढहने की भी सूचनाएं हमें मिली और हमने देखा कि किस तरह से लोगों को विस्थापित भी किया गया, रेस्क्यू किया गया। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बनी है इस मौसम में, इस स्थिति को आप कैसे आंकते हैं, कितनी गंभीर स्थिति या आपदा इसे कहा जाए?
देखिए, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और जब भी पहाड़ी प्रदेशों में बारिश काफी बड़े स्केल पर होता है तो भूस्खलन की संभावना काफी बढ़ जाती है। पर भूस्खलन के साथ साथ वहाँ फ्लैश फ्लड भी होता है, पानियों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके कारण सड़कों पर, पुलों पर पानी का जमाव बनता है और लोग अगर आवश्यक सावधानी न बरतें तो उनके बह जाने की संभावना है। इसके साथ साथ जो पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके कारण मिट्टी नीचे गिरना, भूस्खलन होना, घरों का नुकसान होना, ये सारी बातें होती हैं और ये काफी बड़े क्षेत्र में होती हैं, तो इसके लिए हमें सुरक्षित स्थान में जाना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में काफी जानमाल की हानि हुई है और लोगों को ऐसी सारी स्थितियों में सुरक्षित जगह में रहना चाहिए और बाहर निकलने से बचना चाहिए। भूस्खलन और बाढ़ की इस स्थिति में आपने सावधानियों के बारे में तो हमारे श्रोताओं को बताया ही, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों के अतिरिक्त तराई का क्षेत्र भी है जहां पर कि अभी इस वक्त पानी भर गया है, मैदानी इलाका भी कुछ पड़ता है, तो उन इलाकों में जब घरों में पानी भर जाता है उस समय हमें व्यक्तिगत तौर पर किन सावधानियों को बरतना होगा जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर या तो पहुंचा सकें या फिर घर में ही सुरक्षित रहें? कुछ ऐसे तरीके आप बताना चाहेंगे? पहला तो यदि आपका 2 मंजिला मकान है तो आप दूसरे मंजिल पर चले जाएं, अपने को सुरक्षित रखें। ऐसी चीजें हैं जिनका नुकसान हो सकता है, उनको थोड़ा सा सुरक्षित जगह में ले जाएं। लेकिन अगर आपके पास वो 2 मंजिला मकान ना हो तो गांव में कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जो थोड़ी ऊंचाई पर होती हैं, कुछ ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं जहां पर लोग ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। सरकारी इमारतें हो सकती हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो इन सारे जगहों में अगर कहीं कोई सुरक्षित जगह मिलती हो तो ऐसी सुरक्षित जगह में आश्रय लेने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसी सुरक्षित जगह में आप रह रहे हों तो आप रेडियो पर लगातार जानकारी लेते रहें, पानी का क्या स्तर है और पानी कब नीचे जा सकेगा, इन सारी बातों का जायजा लेते रहें। स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करें। स्थानीय प्रशासन इन सारी स्थितियों में सूचना निर्गमित करता है, उन सूचनाओं का पालन करें, उनकी सलाह पर अमल करें। ऐसे स्थिति में कई बार देखा जाता है कृष्णा जी कि हम मूलभूत सुविधाओं से कट जाते हैं, जैसे बिजली की समस्या या साफ पानी की समस्या, क्योंकि बाढ़ का पानी हम देखते हैं कि बहुतायत में तो है लेकिन हमारे पास जो घरों में नलों में पानी आता है उसकी दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हम ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहें? बाढ़ में जो है पानी इस्तेमाल में काफी सावधानी रखने की जरूरत है। एक साधारण हिदायत यह है जो सबों को पालन करना चाहिए कि जब भी अगर पानी पिएं तो उबाल कर पिएं। अगर कोशिश करें कि कहीं आपकी सुविधा हो तो पानी उबाल सकें तो जरूर शुद्ध करके पिएं, और नहीं तो फिर जो प्रशासन अगर बोतल का पानी वगैरह उपलब्ध कराता है तो उस माध्यम से भी आप पीने का पानी है उसका इस्तेमाल करें। और इलेक्ट्रिसिटी की जो है समस्या वो भी गंभीर होती है और इसमें इसलिए इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाता है, बिजली से काफी लोग के तार से सटकर लोग मर जाते हैं, इसलिए कई ऐसी स्थितियों में बिजली काट दी जाती है। तो घर में टॉर्च वगैरह की व्यवस्था रखें, थोड़ा अपना काम कर सकें। जैसे ही थोड़ा पानी का स्तर कम होगा मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन जल्दी से जल्दी बिजली को पुनः से रिस्टोर करने के लिए कार्य कर सकेगा। सीधा आते हैं महानगरों की ओर, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस भारी बारिश की स्थिति से बड़े बड़े शहर और महानगर, दिल्ली जैसा महानगर प्रभावित हुआ। हम विशेष तौर पर अगर दिल्ली शहर की ही यहाँ चर्चा करें तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है और वहीं यमुना का जो जलस्तर है वो अधिक बढ़ जाने से जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी जमाव की स्थिति भी आज हमने देखी और कहा जा रहा है कि 45 साल बाद ऐसा ये रिकॉर्ड उच्च स्तर यमुना का हुआ है। और इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और हमने आज ये भी देखा कि जो दिल्ली मेट्रो है उन्होंने भी कुछ एडवाइजरी जारी की, कुछ अपने प्रतिबंध यातायात में लगाए सावधानी के तौर पर। तो मेट्रो पॉलिटन सिटीज, महानगरों की जब ये स्थिति बनती है जहां पर की भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की स्थिति है और जल जमाव, और खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर में जहां यमुना नदी है, ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? कैसे इसके हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे पहले से ही तैयारी रख सकते हैं?
शहरों में जो बाढ़ की स्थिति होती है वह तो इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाती है कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इतनी इमारतें बनाई हैं, इतने सड़कें बनाई हैं कि वो जमीन बचा नहीं जिसके कारण पानी वो जमीन के अंदर जा सके या फिर किसी और नदी में मिल सके। तो जब भी बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। लेकिन अभी जो दिल्ली में स्थिति बनी हुई है वह जमुना में पानी का निरंतर जो क्रीज है उसके कारण हो रहा है। 208 मीटर से ऊपर जमुना बह रही है और यह खतरनाक स्थिति है। प्रशासन इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जाए और उसके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रही है। लोग खुद भी अपनी पहल लेकर के सुरक्षित जगह पर रहें, बाढ़ की स्थिति से बाहर निकलें और एक दो दिनों में जब पानी का स्तर नीचे जाएगा तो फिर वो वापस जाएं। दूसरा कि लोग ट्रैफिक में न फंसें, कारों में न चलें। अभी जहां पानी का जमाव है वहां वो ट्रैफिक जाम की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यह भी बहुत ही आवश्यक है कि वो कार वगैरह में ज्यादा वो बाहर न निकलें। तो तीसरी बात ये कि थोड़ा बिजली के अप्लायंसेज वगैरह पर जो घरों में है इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। अगर पानी अगर घर में आ गया है तो कम से कम उन सारी चीजों को ऑफ कर दें ताकि वो सुरक्षित रह सकें। टॉर्च की व्यवस्था जरूर रखें, थोड़ा खाने का सामान, पीने का पानी, ये सारी जो आवश्यक चीजें हैं वो उसका जरूर आप इंतजाम करें। क्योंकि ऐसे शहरों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो घरों की बनावट है उसमें कई बार हमने देखा कि जो बेसमेंट के घर होते हैं जहां पर कि हमारे ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट होता है वहां पानी भरने की समस्या आती है, घरों में सीपेज की समस्या इस समय आ जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम कैसे सावधान रहें, खासतौर पर जैसे हमारे इलाकों में इलेक्ट्रिक पोल हैं, बिजली के इतने उपकरण हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे चारों ओर निर्माण कार्य चलता है, इन सब स्थितियों को रोका जाना या इन सब स्थितियों के प्रति सावधान रहना कितना जरूरी है? एक सबसे बड़ी जो चुनौती है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो पानी के निकासी का जो मार्ग है उसको हम कैसे खुला रखें। सिर्फ घर के स्तर पर देखें तो कभी कभी छतों पर पानी का जमा हो जाता है, तो छतों में नली बनी हुई है लेकिन वो नली अवरुद्ध है, किसी कारण से वो नली बंद है। घर के बगल में जो है जो सड़क के किनारे नली है वह बंद है, तो किस तरह से इन नलियों को थोड़ा हम साफ सुथरा रख सकें जिसके कारण पानी तेजी से निकल सके, यह बहुत ही आवश्यक है। पर कई जगह ऐसे भी हैं जहां पानी का निकलना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर स्थानीय प्रशासन की मदद लें। वहां हम पंप को इंस्टॉल कर सकते हैं, पंपों से भी हम पानी को निकाल सकते हैं। अंत में कृष्णा जी, हम आपसे फिर उसी मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे पास वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम प्रशासन को संपर्क कर सकते हैं अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है ऐसी भारी बारिश या भूस्खलन या बाढ़ की स्थिति में, जिससे कि हम प्रशासन के लगातार संपर्क में रहें, किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम उन्हें अपनी परिस्थिति के बारे में सूचित कर सकें। देखिए, एक तो कॉमन नंबर है 112 जिसके माध्यम से आप कंट्रोल रूम वगैरह को आप सूचित कर सकते हैं। दूसरा आया कि जब जिला प्रशासन जब अलर्ट इशू करता है तो वह भी कई फोन नंबर्स वगैरह वो देते हैं, तो उन फोन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट करके मदद का अनुरोध कर सकते हैं। और जिला प्रशासन कई तरह के एडवाइजरीज इशू करता है तो उनको आप गौर से जरूर देखें और अमल करें। कृष्णा एस वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई और इस विषय पर अपने विचार रखे, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे तेज वर्षा से आपदा की स्थिति और प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्णा एस वत्स और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है eirnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।